नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रीट एल टू पर। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि सर एल टू के सिलेबस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। जैसा कि आप सभी को विदित है, एल टू में दो मुख्य वर्ग होते हैं, एक विज्ञान वर्ग और दूसरा सामाजिक वर्ग। विज्ञान वर्ग का पेपर जो है वो साइंस और मैथ वालों के लिए होता है और सामाजिक वर्ग का पेपर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और सामाजिक के टीचर्स के लिए होता है। मतलब ये हुआ कि हिंदी के टीचर हो, चाहे संस्कृत के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे सामाजिक के हो, इन सभी को एल टू का सामाजिक अध्ययन भाग पेपर देना होता है। वैसे पेपर दोनों कॉमन ही होते हैं, साइंस का हो चाहे सामाजिक का हो, 60 अंकों के प्रश्न डिफरेंट होते हैं। साइंस वालों के लिए वो 60 अंकों के प्रश्न साइंस मैथ से रिलेटेड होते हैं, वहीं सामाजिक वालों के लिए प्रश्न सामाजिक अध्ययन से संबंधित होते हैं। तो ये 60 अंकों के प्रश्न हमारे चयन में महती भूमिका निभाते हैं। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट की मांग को ध्यान में रखते हुए एल टू के सामाजिक अध्ययन की टोटल 12 यूनिट जो है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। मैं 12 यूनिट को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक यूनिट पर बात करूंगा कि किस यूनिट में, किस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे अंक अर्जित करेंगे, क्योंकि रीट पूरा 150 का होता है। उस 150 में से 60 अंक, महज 60 अंक जो है, महज एक ही भाग से आते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसे अच्छे से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो शुरू करते हैं आज एल टू रीट के बारे में। इससे पहले बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी ये रहता है कि रीट होगा कि नहीं होगा, उन सभी को मैं एक ही बात कहूंगा, रीट कभी न कभी होगी, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो। मैं इतना कह सकता हूं कि अगली जुलाई तक ये रीट की कहानी खत्म हो जाएगी, परीक्षाएं भी हो जाएगी, हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। 2-3 साल वापस कुछ भी इस रीट के बारे में वापस कुछ आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से जब आगे 4-5 महीने रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस अवधि का बहुत अच्छे से उपयोग किया जाए। जैसा कि क्लियर हो चुका है कि अब एल टू में एक ही पेपर होगा, तो एक पेपर को इतना, जितना आप अच्छा करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बात करते हैं अपन सामाजिक अध्ययन के भाग की, जिसमें 60 प्रश्न रहते हैं टोटल, और ये 60 प्रश्न 5 यूनिट रखे हुए हैं, सॉरी 12 यूनिट रखे हुए हैं, प्रत्येक यूनिट 5 अंकों की है। इस हिसाब से 12 यूनिट से टोटल 60 अंकों के प्रश्न आते हैं। तो पूरे रीट के 150 में से 60 अंक केवल और केवल सामाजिक अध्ययन भाग से आते हैं, और सामाजिक अध्ययन भाग का मतलब केवल सामाजिक के शिक्षक से नहीं है, बल्कि वो हिंदी के शिक्षक से भी है, वो संस्कृत के भी है और इंग्लिश के शिक्षक से भी है। सिर्फ साइंस और मैथ के अलावा सारे स्टूडेंट सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न अटेंड करेंगे। तो सबसे पहली यूनिट जो है इसकी, इस यूनिट में टोटल 3 टॉपिक है। यह हिस्ट्री, हिस्ट्री की यूनिट है, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। अब देखिए इसमें 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक से टोटल 5 प्रश्न आने वाले हैं, 5 प्रश्न ही आएंगे। पिछले रीट के आप पेपर उठा के देखोगे, अच्छा ध्यान रखना ये सारा सारा एनसीटीई का ही सिलेबस ही है, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का ही पाठ्यक्रम है, जिसका जिक्र कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने भी किया था। तो पहली यूनिट में 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक से 5 प्रश्न आएंगे। आप इन टॉपिक को कितना बढ़िया तैयार करोगे कि 5 के 5 प्रश्न सही हो जाए। देखो फर्स्ट पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इस सिंधु घाटी सभ्यता, केवल सभ्यता ही लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको इनकी उत्पत्ति, इनका नामकरण, इसका काल अवधि, इसकी विशेषताएं, इसका पतन, इसके प्रमुख नगर, सारी चीजें तैयार करनी है। दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति, जिसमें आपको ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसकी सामाजिक, इसकी आर्थिक, इसकी धार्मिक सभी विशेषताएं, इसके साथ साथ इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आर्य कौन थे, आर्य कहां से आए थे, और ऋग्वेद वैदिक साहित्य जितना भी है ये संस्कृति में पूरा आ जाता है, और ये सारी की सारी चीजें आपको वैदिक संस्कृति में तैयार करनी है। तीसरा टॉपिक है भारतीय समाज, ये चूंकि समाज शास्त्र का टॉपिक है, इसमें आपको भारतीय समाज की विशेषताएं, बहुत ही सामान्य विशेषताएं हैं वो देखनी है, साथ में परिवार, परिवार संस्था जो है ये, इसके बारे में पूरा पढ़ना है कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार की विशेषताएं क्या होती है, समाज शास्त्र के एंगल से देखना है।
विवाह ये भी समाजशास्त्र के एंगल से देखना है, विवाह के कितने प्रकार होते हैं, विवाह नामक जो संस्था है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, कमियां क्या है, विवाह से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं, ये सारा आ जाएगा। लैंगिक संवेदनशीलता का जो टॉपिक है इसमें आपको महिलाओं से संबंधित जो कानून बने हुए हैं, चाहे महिला विधेयक हो, महिलाओं से संबंधित आरक्षण हो, घरेलू हिंसा आदि का जो अधिनियम था वो था, विसा का दिशा निर्देश हो, चाहे महिलाओं से संबंधित जितने भी मामले हैं वो आपको यहाँ देखने हैं। इसके अलावा शहरीकरण और ग्रामीण जीवन के बारे में देखना है। तो भारतीय समाज से इतने टफ प्रश्न नहीं आते, थोड़ा सा लैंगिक संवेदनशीलता के कानून आप पढ़ लेना, इसके अलावा विवाह और परिवार की सामान्य विशेषता देख लोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ये तीन यूनिट है, तीन यूनिट को आप सॉरी ये तीन टॉपिक है इस यूनिट में, और यहां से कुल पांच प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरी यूनिट है उसमें है मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इन तीन पार्ट को, इसमें कुल छह टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है देखिए, पहला टॉपिक है राजनीतिक इतिहास और प्रशासन। देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसे मौर्य काल का राजनीतिक इतिहास, मतलब मौर्य काल के जितने भी शासक हुए हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो अशोक मौर्य हो, चाहे वो बिंदुसार हो, चाहे वो अशोक के बाद के बृहदर्थ और वगैरह वगैरह शासन हो, इन सब शासकों का आपको ब्यौरा संक्षिप्त में पूरा याद रखना है। उसके अलावा राजनीतिक इतिहास गुप्त काल का भी आपको ध्यान रखना है, उसमें चंद्रगुप्त प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, समुद्रगुप्त हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, चाहे कुमारगुप्त हो, जितने भी गुप्त शासक हुए हैं इनका आपको राजनीतिक उपलब्धियां जितनी भी थी, कहां कहां अभियान किए थे, कौन कौन से युद्ध उन्होंने लड़े थे, ये सारे इनके जो भी प्रशासन में योगदान थे, ये सारा गुप्त काल के शासकों का भी आपको देखना है। उसके अलावा गुप्तोत्तर काल का राजनीतिक इतिहास, इसमें हर्षवर्धन को पढ़ना है आपको बढ़िया तरीके से, क्योंकि गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश मुख्य रूप से रहा था, वाकाटक वंश भी रहा था, उससे पहले भी वाकाटक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश, इन तीनों की राजाओं की राजनीतिक उपलब्धियां पूरी देखनी है, साथ ही साथ इनका प्रशासन भी देखना है। मतलब मौर्य काल का प्रशासन, जिसमें आपने पढ़ा होगा जो भी वो सीता अध्यक्ष वगैरह वो जो भी आते हैं, वो चाणक्य के जो प्रशासन, चाणक्य ने जो लिखा था वो गुप्त काल का प्रशासन पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा, और साथ में वर्धन वंश का प्रशासन भी पूरा आएगा। तो पहली यूनिट दूसरी यूनिट का पहला टॉपिक जो है वो है मौर्य, गुप्त और विशेषकर वर्धन वंश के राजाओं की संक्षिप्त जानकारी और इनका प्रशासन। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है वो भारतीय संस्कृति के प्रति इनका योगदान, किन का योगदान, वो वापस वही कि मौर्य, गुप्त और वर्धन वंश मुख्य रूप से, इनमें इन्होंने संस्कृति में क्या योगदान दिया, मतलब इनके समय की विज्ञान, इनके समय की कला, इनके समय का साहित्य, और ये तीन चीजें जो है ये मुख्य रूप से और विशेष और धर्म, और तो कला, साहित्य, संस्कृति में धर्म, ये तीनों चीजें मौर्य काल की भी देखनी है, गुप्त कालीन भी देखनी है और वर्धन वंश में भी देखना है। तो इन तीनों का अगर ये देख लोगे तो भारतीय संस्कृति में इनका योगदान तैयार हो जाएगा। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपको मौर्य, गुप्त और वर्धन तीनों पूरे पढ़ने हैं। क्यों पूरे, इसलिए कि इसमें राजनीति आ गई, उनका प्रशासन आ गया और संस्कृति में योगदान आ गया, पीछे छूटता कुछ नहीं है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये वापस सेम टॉपिक है कि गुप्त काल के अंदर सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का मतलब ये हुआ कि इनका कला इनके समय कौन कौन सी थी, चाहे वो मंदिर कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, ये सारी कला पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको इनका पूरा साहित्य, चाहे कालिदास का साहित्य हो, चाहे वो आपके किसी और साहित्यकार की किताबें हो, पूरा साहित्य पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मौर्य, गुप्त और वर्धन, ये तीन वंश कंप्लीटली तैयार करने हैं। और इसके अलावा जो चौथा टॉपिक है वो है छठी से हजार, मतलब हजार हजार ईस्वी के बीच का जो भारत था वो कैसा भारत था। स्पष्ट कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर आपके एक आध सवाल आता है। देखो पांच ही टॉपिक है इसमें और पांच सवाल आते हैं, मतलब हर एक टॉपिक से एक सवाल आएगा। एक ही सवाल राजनीतिक इतिहास से आएगा, एक ही आपके संस्कृति से आएगा, एक ही गुप्त काल से आएगा। भारत छठी से दसवीं शताब्दी के बीच का कैसा था, तो इसमें मैं बता दूं आपको क्या करना है। मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त बता देता हूं, जितना भी राजपूत काल है उत्तरी भारत का वो, और जितना भी दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव वंश थे, ये पूरा का पूरा छठी से दसवीं शताब्दी के बीच में आ जाता है। आप ये पूरा तैयार नहीं करो तो ही बेहतर है। क्यों, क्योंकि अगर आप पूरा राजपूत काल और पूरा दक्षिण भारत तैयार करोगे तो बहुत ज्यादा समय
लग जाएगा और सवाल एक या दो, उससे ज्यादा सवाल आने नहीं है। इसलिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप क्या करोगे, जितने भी राजपूत वंश है, चाहे चौहान हो, चाहे वो आपके परमार हो, चाहे वो आपके गढ़वाल हो, चाहे चंदेल हो, चाहे वो आपके मेवाड़ के सिसोदिया हो, आपको क्या करना है, सभी राजपूत वंश और सभी दक्षिण राजवंश जो थे उनके बारे में, उनकी राजधानियां कहाँ कहाँ थी, इनके संस्थापक कौन कौन शासक थे और इनके काल का कोई प्रमुख मंदिर वगैरह कुछ बना हुआ था, तो वो ध्यान रखना है। इनके क्षेत्र ध्यान रखने, एक मैप बना देना अपनी कॉपी में और मैप में भर देना कि चंदेलों का शासक कहाँ था, परमार कहाँ पे थे, चालुक्य कहाँ थे, चौल कहाँ थे, पल्लव कहाँ पे थे, और इस प्रकार से पूरे मैप में इनके शासन क्षेत्र भर देना, इनकी राजधानियां उसी मैप में लिख लेना और इनके संस्थापक लिख लेना। इसके साथ साथ इनका ये भी दक्षिण भारत में ये भी ध्यान रखना, जैसे उधर उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों का भी देख लेना, साथ में दक्षिण भारत में ये भी ध्यान रखना कि चालुक्य किन को पराजित करके आए, पल्लव किन को पराजित करके स्थापित हुए, या चोल किन को पराजित करके स्थापित हुए। चालुक्यों की तीन शाखाएं, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, तो इस प्रकार से आपको वातापी के चालुक्य, इस प्रकार से आपको ये संक्षिप्त में एक दो पेज में इनका तैयार कर लेना है, यहां से एक सवाल आ जाएगा। तो इस भारत, इस टॉपिक में आपको क्या करना है, इस टॉपिक में आपको सभी राजपूत वंश और दक्षिण वंश इनको एक मैप में भर देना है। मैप आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और विरासत बोर्ड में मिल जाता है, मैप में भर के इनकी राजधानी और इनके संस्थापक लिख लेने हैं। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है भारत का विश्व के दूसरे देशों के साथ संबंध, हमारे दक्षिण एशिया के साथ कैसे संबंध रहे हैं, हमारे मध्य एशिया के साथ कैसे संबंध रहे हैं, तिब्बत के साथ, कासगर, यारकंद, कुणाल जो गया था उधर, उस्सा, तिब्बत के साथ, चीन के साथ, इधर वियतनाम, लाओ, श्रीलंका, ये टॉपिक आपको 6ठी क्लास में भी मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें देखनी है, इस पूरी यूनिट से कुल 5 प्रश्न आने वाले हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी यूनिट है वो है मध्यकाल और आधुनिक भारत की। पहला टॉपिक क्लियर है भक्ति और सूफी आंदोलन, दूसरा टॉपिक भी क्लियर है मुगल और राजपूत संबंध। यहाँ बाबर से शुरू करोगे, मतलब महाराणा प्रताप और बाबर के साथ क्या संबंध रहे, उसके बाद में बाबर ने हिंदुओं के साथ कौन से युद्ध और लड़े थे, उसके बाद में हुमायूं और हिंदुओं के साथ, मतलब स्पेशली राजपूतों के साथ क्या संबंध रहे, जिसमें कर्मावती वाला किस्सा आ जाएगा। उसके बाद अकबर आ जाते हैं, उनकी जो 16 कुल की नीति थी, उनका नागौर दरबार से लेकर उनका महाराणा प्रताप मेवाड़ के खिलाफ अभियान से लेके ये सारा किस्सा आ जाएगा। जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे औरंगजेब हो, इनके समय में फिर वही जोधपुर सॉरी मानसिंह थे जयपुर के, चाहे कल्याण सिंह थे, ये जितने भी लोग इनके दरबारों में थे, इन सभी का बढ़िया तरीके से, सवाई जय सिंह हो, अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं यही बताना चाहूंगा इसमें कि बाबर से लेकर और फर्रुख सियर तक, अजीत सिंह फर्रुख सियर तक थे, तो इन तक जिस जिस राजा के काल में, मुगल बादशाह के काल में राजपूत राजा का संबंध रहा, चाहे वो आपसी विवाद रहा हो महाराणा प्रताप महाराणा सांगा की तरह, चाहे वो मानसिंह की तरह वो दरबार में शरण लिए हुए हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। तीसरा टॉपिक है इसमें आपको मुगल प्रशासन पढ़ना है, इसके अलावा इनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, सांस्कृतिक दशा में इनकी कला पूरी आ जाएगी, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, वास्तुकला हो, सारी कला आ जाएगी, ये सारा पढ़ना है इसमें। चौथा टॉपिक है ब्रिटिश राज्यों के प्रति, सॉरी भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, इसमें क्या देखना है, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में आपने पढ़ा होगा अधीनस्थ राज्यों की नीति, रिंग फेस की नीति, ये जितनी भी नीतियां थी ये देखनी है आपको इसमें। 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़नी है, उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव पढ़ने हैं, चाहे वो आपके भू राजस्व नीतियां हो, स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महलवाड़ी हो, चाहे रेतवाड़ी हो, या फिर आपके कृषि का वाणिज्यकरण हो, चाहे आपकी विऔद्योगीकरण हो, या आपके गरीबी दरिद्रता हो, या कुटीर उद्योगों और हस्त उद्योगों का पतन हो, या फिर आप यूं कहिए कि अकाल जैसी स्थितियां हो, ये जितने भी धन निष्कासन का सिद्धांत हो, ये सारा का सारा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। उसके बाद टॉपिक है पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार, इसमें आपको राजा राम मोहन राय, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, इसके अलावा बाल गंगाधर, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इसके अलावा जितने भी सोसाइटीज थी, जितने भी समाज सुधारक थे, इन सारे समाज सुधारकों को बढ़िया तरीके से तैयार करना है। विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का भी ध्यान रखना है, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, सती प्रथा हो, चाहे वो नर बलि प्रथा हो,
ठग प्रथा हो, इनको किसने, इनका उन्मूलन किसने किया, उन गवर्नर जनरल के भी नाम ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये स्पष्ट टॉपिक दिया हुआ है 1919, मतलब आपके ये हुआ कि रोलेट एक्ट से लेकर भारत की आजादी के बीच की कोई घटना आप छोड़ नहीं सकते। तो इस पूरी यूनिट से 5 अंकों के सवाल आएंगे। इस पूरी यूनिट से मतलब ये हुआ कि मध्यकाल और आधुनिक पूरा आप बढ़िया तरीके से तैयार करोगे तब जाके आपको 5 अंक मिलेंगे यहाँ पर। तो ये तीसरी यूनिट थी। उसके बाद में चौथी यूनिट है पॉलिटिकल साइंस की। तो पहली 3 यूनिट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड थी, चौथी यूनिट पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें उद्देश्य का स्पष्ट है, इसके अलावा मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य भी स्पष्ट है, इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय भी स्पष्ट है। ये आपको आराम से 6ठी 7वीं 8वीं टॉपिक किताबों में मिल जाते हैं। इन 3 टॉपिक से भी 5 सवाल आएंगे। अब आप देखो स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, देखो ये तीसरी यूनिट से भी 5 सवाल है और चौथी यूनिट से भी 5 सवाल है। अब आप अपने आप मन से पूछिए कि आप 5 सवाल कहाँ से आसानी से ला सकते हो। चौथी यूनिट ऐसी है जहां से आप पूरे सवाल 500 सही कर सकते हो, लेकिन तीसरी यूनिट ऐसी इतनी लंबी चौड़ी यूनिट है कि अगर सवाल थोड़े से टफ आते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो हो सकता है इस 5 में से 3 सवाल ही सही हो। तो तीसरी यूनिट देखिए, लेकिन चौथी यूनिट ज्यादा तरीके से देखिए ताकि यहाँ से 5 के 5 सवाल सही किए जा सकते हैं। इस पीछे देखिए आप दूसरी यूनिट और पहली यूनिट, पहली यूनिट छोटी है, यहाँ 5 के 5 सही किए जा सकते हैं, लेकिन दूसरी यूनिट बड़ी है, यहाँ थोड़ी सी कम संभावना, तीसरी यूनिट और भी ज्यादा बड़ी है। तो आप देखिए कि इन 3 यूनिट में पूरी इंडियन हिस्ट्री है और 15 अंकों की है। तो अब देखिए पॉलिटी की चौथी यूनिट और पांचवी यूनिट देखिए। पांचवी यूनिट में स्पष्ट दिया हुआ है, संसद स्पष्ट दिया हुआ है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उच्चतम न्यायालय, स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी है वो सारी की सारी, और पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, ये भी स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अब आप पीछे देख सकते हो चौथी यूनिट में भी 5 प्रश्न आएंगे और पांचवी यूनिट से भी 5 प्रश्न आएंगे। बड़े आसान है चौथी यूनिट से लाने, पांचवी यूनिट जरूर थोड़ी सी बड़ी है, उसको भी आप बढ़िया तरीके से तैयार करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें। छठी यूनिट भूगोल किया जाती है। तो 2 यूनिट पॉलिटी की थी, मतलब पॉलिटी से टोटल 10 सवाल आने वाले थे और हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले थे। अब आएंगे भूगोल। भूगोल की छठी यूनिट जो है आपके भौतिक भूगोल से संबंधित। भौतिक भूगोल में इन्होंने सबसे पहले लिखा स्थल मंडल। देखो दोस्तों ये जो स्थल मंडल लिखा है, लिथोस्फियर, इसमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। स्थल मंडल के अंदर आपके पूरी चट्टाने आ जाती है, पृथ्वी के अंदर और बाहर के पूरे बल आ जाते हैं, इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरी आ जाती है। तो और इसके अलावा स्थल मंडल में 7 महाद्वीपों की बेसिक जानकारी आ जाती है। तो आपको स्थल मंडल में क्या पढ़ना है, 7 महाद्वीप पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको स्थल मंडल की आंतरिक संरचना, जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि क्रस्ट मेंटल कोर वाला नीफे वगैरह ये सब पढ़ा होगा, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है यहाँ पे। इसके अलावा आपको दूसरा स्थल मंडल में दूसरा जो चीज तैयार करनी है वो करनी है चट्टान है। इसके अलावा आपको तैयार करना है पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियों में आपने पढ़ा होगा क्षैतिज बल पढ़ा होगा, ऊर्ध्वाधर बल पढ़ा होगा, मतलब आपने होम्स का जो संवहनीय तरंग सिद्धांत है वो पूरा का पूरा यहाँ आता है। और बाह्य शक्तियों में अपरदन के कारक वगैरह पूरे आ जाएंगे, अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण, ये सारी चीजें जो थी जैसे अपन पटल विरूपणी बल वाले मामले, ये सारे के सारे यहाँ पे आएंगे पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों में। तो चट्टानों के प्रकार और आंतरिक बाह्य शक्तियां भी एक प्रकार से स्थल मंडल में पढ़ी जाती है। दूसरा टॉपिक है जल मंडल। जल मंडल में आपको 500 महासागर बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कुछ जल संधियां वगैरह ये सारी की सारी पढ़नी है बढ़िया तरीके से। झीलें भी कुछ मुख्य मुख्य पढ़नी है। इसके अलावा जल मंडल में और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर कुछ जल धाराएं और ज्वार भाटा और लवणता भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन यही दूंगा कि यहाँ से कुल 5 सवाल है तो पूरा जल मंडल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें केवल यहाँ पर 5 महासागर और कुछ जल संधियां वगैरह ये थोड़ा बहुत देखना है। इसके अलावा ज्वार भाटा वगैरह ये पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। हालांकि है तो वो भी जल मंडल का भाग, लेकिन इतना ज्यादा वो पूछते नहीं है। उसके बाद आता है वायुमंडल। इसमें वायुमंडल की संगठन और संरचना, जिसमें आपने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, मध्यम मंडल वगैरह, ये सारे पढ़ने हैं। इसके अलावा वायुमंडल बना कैसे ये पढ़ना है। इसके अलावा अगर पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत एडवांस जाते हो, तो थोड़ा सा आप इसमें पवने भी पढ़ सकते हो। तो पवने पढ़ लो
और इसके अलावा ये पढ़ लो वायुमंडल की परतें वगैरह। इसके अलावा अगर आपको और ज्यादा पढ़ना होता है तो सूर्य ताप भी पढ़ सकते हो, इंसुलेशन का टॉपिक पढ़ सकते हो। उसके बाद पाठ आता है जैव मंडल का। जैव मंडल में आपको जैव और अजैव संबंध, पारिस्थितिकी तंत्र पूरा का ऑलमोस्ट पूरा आ जाता है, जिसमें आपके जितने भी उत्पादन चक्र वगैरह है, या यूं कहिए कि वो आपने पढ़ा होगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उत्पादक, ये सारे के सारे आपको यहाँ से पढ़ने हैं। तो इस पूरे टॉपिक से पांच सवाल आते हैं, बहुत ही थियोरिटिकल होता है, पांच के पांच सही किए जा सकते हैं। सातवां जो है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। इसमें संसाधनों के प्रकार आपको पढ़ने हैं, चाहे वो आपके जैविक संसाधन हो, चाहे अजैविक संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, संसाधनों के पूरे के असीमित संसाधन, सीमित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, संसाधनों के प्रकार देखने हैं। इसके अलावा आपको देखना है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, संरक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है, संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, चाहे वो आपको स्टॉकहोम सम्मेलन हो, चाहे आपके रियो डी जेनेरियो का 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हो, उसके बाद में विभिन्न सारे कॉप हुए वो हो, ये सारे के सारे संसाधन संरक्षण के प्रयास भी आपको देखने हैं। इसके अलावा मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, यहाँ बहुत ही ध्यान देने योग्य बात कि जैसे मृदा पढ़ते हो तो मृदा में आप सिर्फ ये पढ़ना कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, मृदा की जो सॉयल प्रोफाइल है, मृदा परिच्छेदिका वो देखना है, मृदा की उत्पत्ति के सिद्धांत जितने भी है, जैसे कार्बनीकरण हो, चाहे वो आपके कैल्सिफिकेशन वाला सिद्धांत हो, चाहे वो आपके ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है मृदा की उत्पत्ति के, ग्लेइंग प्रोसेस हो, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा मृदा की जो भी निर्माण प्रक्रिया, मृदा निर्माण का जो प्रक्रम है वो देखना है, मृदा की परिभाषा देखनी है, मृदा की विशेषताएं देखनी है, मृदा की कैसे उपजाऊपन कम होता है ये देखना है। तो मृदा का जो थियोरिटिकल पार्ट देखना है, इसके आपको ये नहीं देखना है कि अमेरिका में कौन सी मृदा, हाँ मुख्य मुख्य मृदा देख लो वाली, लेकिन दुनिया भर की मृदा याद करने की वजह इसमें आपको मृदा का सैद्धांतिक पक्ष देखना है कि मृदा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसका उपजाऊपन क्या कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा की प्रोफाइल क्या होती है, इस ये सारी चीजें आपको मृदा में देखनी है, और यही बात है खनिज में देखनी है, यही बातें आपको ऊर्जा संसाधन में देखनी है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ क्या क्या फैला है, इसकी बजाय आप इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करना, इनके सिद्धांतों के बारे में बात करना कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज के प्रकार क्या है, खनिज मुख्य मुख्य खनिज के बेल्ट कौन कौन से हैं, इसके अलावा खनिज कहाँ पाए जाते हैं, ये चीजें देखनी है। ये नहीं देखना है कि अमेरिका में कौन सा खनिज है, रूस में कौन सा खनिज है, मुख्य मुख्य खनिज देखिए, लोहे के जैसे कौन कौन सी क्वालिटीज आती है वगैरह वगैरह। ऊर्जा संसाधन आता है तो ऊर्जा में भी यही देखना है कि कोयला, कोयले के कितने प्रकार है, कार्बन की मात्रा के आधार पे कोयला, कोयले के अंदर मतलब कोयला के मुख्य मुख्य बेल्ट कौन कौन से हैं, कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें देखनी है इसमें ऊर्जा संसाधनों में, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ऐसे कैसे कृषि उद्योग और मानव संसाधन के बारे में भी देखना है आपको। आठवीं यूनिट जो है वो है आपके भारत के भूगोल से रिलेटेड। अब आठवीं यूनिट में भी पांच सवाल आएंगे, इसमें आपके भू आकृतिक प्रदेश जो भारत के हैं, हिमालय, थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। भारत की पूरी जलवायु पढ़नी है, भारत की वनस्पति पूरी पढ़नी है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें आपने पढ़ा होगा ये जितने भी सदाबहार पौधे हो, चाहे अर्ध सदाबहार पौधे हो, चाहे वो पतझड़ पौधे हो, ये सारे आएंगे। वन्य जीवन आएगा, जिसमें आपके कौन कौन से वन्य जीव मुख्य मुख्य पार्कों में पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्क मुख्य मुख्य है वन्य जीवन के। इसके अलावा बहुउद्देशीय परियोजना, चाहे वो दामोदर नदी घाटी हो, चाहे भाखड़ा नांगल हो, ऐसी परियोजनाएं पढ़नी है। इसके अलावा खरीफ और रबी की मुख्य मुख्य फसलें कौन सी, ये पढ़नी है। इसके अलावा भारत की मुख्य मुख्य उद्योग, चाहे स्टील उद्योग हो, चाहे एल्यूमिनियम उद्योग हो, चाहे वो आपके कृषि जनित उद्योग हो, चाहे वो आपके धात्विक उद्योग हो, ये सारे उद्योग देखने हैं। इसके अलावा मुख्य मुख्य आपको परिवहन, चाहे रेलवे परिवहन हो, चाहे वो पाइपलाइन परिवहन हो, चाहे आपके वायु परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, इनकी बेसिक जानकारी देखनी है, और आपको जनसंख्या भी पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा ये जन सुविधाएं, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम, ये करंट से रिलेटेड है, या सरकार की कोई एक आदि योजना पूछी जा सकती है। और उपभोक्ता जागृति, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 अभी नया आया है 19, और जो कि 20 में लागू हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी जुटानी है। नवा राजस्थान का भूगोल है, इसमें भी वही सेम टॉपिक है, भौतिक प्रदेश आ जाएंगे राजस्थान के, चाहे अरावली हो, चाहे थार का मरुस्थल हो, चाहे मैदान हो। इसके अलावा जल संरक्षण की विधियां आपने पढ़ी होगी, खड़ीन, टांके, टोबा, ये सारे के सारे। इसके अलावा राजस्थान की खरीफ और रबी की फसलें पढ़नी है,
खनिज और ऊर्जा संसाधन देखने हैं, परिवहन, उद्योग और जनसंख्या बढ़ना है। उसके अलावा 10वां पोर्शन जो है वो वापस राजस्थान की हिस्ट्री का आ जाता है, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, जिसमें कालीबंगा, आहाड़, बालाथल, गणेश्वर ये सारे पढ़ने हैं, जनपद देखने हैं जैसे सूरसेन, मत्स्य, ये जनपद जो थे ये आपको पढ़ने हैं इसमें। इसके अलावा भारत राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें आपको राजस्थान की क्रांति पूरी पढ़नी है, 1857 की क्रांति। इसके अलावा थोड़ा बहुत प्रजामंडल भी देख सकते हो तो देख लेना, राजस्थान का एकीकरण पूरा देखना है, और विरासत और संस्कृति में किले, महल, मेले, त्योहार, ये तो सारा क्या स्पष्ट पड़ा है, तो ये सारी चीजें आपको 10वीं यूनिट में देखनी है। 11वीं और 12वीं यूनिट, ये दो यूनिट जो है ये आपके सामाजिक शिक्षण विधियों की है, और इनके लिए आप अमृत जैन की किताब मैंने आपको पहले बताई थी हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो। और इसके अलावा पहली से लेकर 10वीं यूनिट जो है, ये 10वीं यूनिट तक, 6ठी से 10वीं तक की जो किताबें हैं हमारे राजस्थान बोर्ड की, बहुत अच्छी किताबें हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि रीट के लिए सर हमें एनसीईआरटी चूंकि लागू हो चुकी है वो पढ़े कि बोर्ड की किताबें पढ़े, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को मैं कहूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ठीक है, अगर आप बोर्ड कर रहे हैं तो बोर्ड को जारी रखिए, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुरूप है। तो 6ठी से 10वीं तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें सामाजिक विज्ञान की अगर आप पढ़ते हो तो पहली से लेकर 10वीं तक की यूनिट बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है। और 11वीं और 12वीं यूनिट के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब जो आती है जैन साहब की, वो किताब भी बहुत ही अच्छी किताब है, वो दोनों किताबें पढ़ लो। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे इसमें जो टॉपिक आपके उन राजस्थान बोर्ड में नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं आपको कह दूं कि छोटी सी कोई भी गाइड आप ले सकते हो, जैसे पैनोरमा ले लो और पैनोरमा को आप साइड में एक्स्ट्रा पढ़ लो, तो तीन किताबें हो जाएगी टोटल। एक तो 6ठी से 10वीं तक का बोर्ड की किताब है, और दूसरा पैनोरमा की गाइड, उस गाइड में आप वो टॉपिक पढ़ना जो आपको बोर्ड की किताबों से नहीं मिले हैं, और तीसरा गाइड से आप विधियां भी पढ़ लेना, और इन विधियों के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की अमृत जैन की किताब भी पढ़ लेना, तो जिसका जिक्र मैंने पिछले कई वीडियोस में भी किया है। तो इस प्रकार से ये 60 के 60 अंक जो है इसको अपन सिक्योर कर सकते हैं। तो 10 अंक शिक्षण विधियों के हो जाएंगे, और 20 अंक भूगोल के, 20 अंक इतिहास के, और 10 अंक पॉलिटी के। इस प्रकार से ये तीन चीजें हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि बोर्ड की किताबों में हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमारे पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम के अलावा चीजें नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारी चीजें पढ़ सके। तो उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, आप इसका अनुसरण करोगे। पुनः लास्ट में बता देता हूं कि एनसीईआरटी की बजाय अगर आप बोर्ड की किताबें फॉलो कर रहे हो तो निरंतर करते रहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि हमने बोर्ड की किताबें पिछले 4 महीने से पढ़ रहे हैं, क्या हमारी मेहनत व्यर्थ तो नहीं गई है? देखो विद्यार्थियों, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और बोर्ड की किताबों के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है तो बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा आपको लगता है कि हमने बोर्ड पढ़ लिया तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना कभी नुकसानदायक नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अभी तक बिल्कुल दोनों ही नहीं पढ़ी है तो आप बोर्ड की किताबें पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि बोर्ड पढ़ चुके हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए। तो कहने का मतलब यह है कि बोर्ड की किताबें जिसने भी पढ़ी है बहुत ही शानदार किताब है, और उसको जारी रखिए। और अगर आपको लगता है कि हम पढ़ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, नोट्स कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि टाइम है, तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड को आप प्राथमिकता दीजिए। तो बोर्ड की किताबें, एक पैनोरमा की गाइड, और आपकी एक विधियों के लिए किताब पढ़ लो। इसके अलावा इसमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 60 अंकों का मैटर था, इसकी आज अपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, अगले किसी वीडियो में और किसी पार्ट पर बात करेंगे।